बिसम रहमान रहीम वी आर डूइंग करेंसी रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम रिस्क फैक्टर्स को और ट्रेडिंग को अपनी सेफ गार्ड कर रहे हैं फ्रॉम द स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू करेंसी रिस्क आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंसी रिस्क के साथ तो है लेकिन उसकी एक ओवरऑल इम्प्लिकेशन भी है तो जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट योर माइंड्स कि मैं हम सिर्फ करेंसी मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे ये जो हम टूल डिस्कस करने लगे हैं दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सो इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट वे और इन्वेस्टमेंट स्टाइल रादर देन जस्ट द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी दैट इज एक्टिव करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हम यहाँ पे बात करने लगे हैं ठीक है एक्टिव ट्रेडिंग वैन वी से एक्टिव ट्रेडिंग इट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव मोर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन अब ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की हो सकती है तो अभी हम बात कर हैं करेंसी उसकी भी हो सकती है और अन दैट स्टॉक्स बॉन्ड्स एनी अदर एसिड्स अंडरलाइंग उसमें भी हो सकती है एक इसकी ऑपोजिट साइड जो है दैट एक्टिव के अगेंस्ट दैट इज पैसिव पहले हम उसकी बात करते हैं देन यू कैन अंडरस्टैंड एक्टिव मोर बेटर मेरे पास कुछ पैसे पड़े मैंने कुछ करेंसी ख़रीद के रख ली एंड आई से ओके वेन आई नीट एट माई रिटायरमेंट और आफ्टर फाइव ईयरस दैन आई सी वॉट हैपन टू माई पोर्टफोलियो दिस इज़ अ पैसि इन्वेस्टमेंट मैंने एक दफ़ा ले ली एंड देन आई होल्ड विद दैट इन्वेस्टमेंट सो इट्स बाय एंड होल्ड वेयर आज इन कंट्रास्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स और एक्टिव ट्रेडिंग इज डिफरेंट दे बाय सेल सेल बाय टेक एक्टिव पोजिशंस कभी कुछ थोड़े ज़्यादा खरीद लिए कम बेच दिए पोजिशन को बढ़ा दिया कम कर दिया बट दे आर वेरी मच एंगेज फॉलोइंग मार्केट ट्राइंग टू बीट मार्केट ये है एक्टिव स्ट्रैटी सो इट्स एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट ऑन शॉर्ट टर्म स्टॉक चार्ट अब ये स्टॉक्स में भी हो सकती है करेंसी में भी हो सकती है किसी भी मूवमेंट में ये हमें इम्पैक्ट कर सकती है मैंटेलिटी एसोसिएटेड विद एन एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटी डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म या जो हम बाय एंड होल्ड स्ट्रैटजी कहते हैं जो जिनको हम पैसिव इन्वेस्टर्स कह रहे हैं या इंडेक्स इन्वेस्टर्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं एंड दे जस्ट होल्ड एंड वॉच एक्टिव ट्रेडिंग इज अ पॉपुलर स्ट्रेटजी फॉर दोस्ट ट्राइंग टू बीट द मार्केट एवरेज इसमें हमारा क्या ख्याल है कि वी आर एक्सपर्ट वी आर फास्ट वी आर क्विक सो वी कैन बीट द मार्केट अगर एक साल का अगर मार्केट का रिटर्न आएगा ट्वेल्व परसेंट बाई आर एक्टिव स्ट्रेटजीज वी कैन बीट इट टू

एल्फा हंटर्स यानी कि हम ढूंढ ढूंढ के अपना रिटर्न के माना चाहते हैं राधा देन के हम बैठ जाए और जो रिटर्न मार्केट ऑफर करें वो हम ले लें एज अ पैसे फन एक्टिव ट्रेडिंग इज अ स्ट्रैटी दैट इन वॉल्स बीडिंग द मार्केट थ्रू आइडेंटिफाइंग एंड टाइमिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफन फॉर शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स कि हम बहुत लंबी पोजिशन की बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग फ्रीकुंट पोजिशन शॉर्ट पोजिशन विद एक्टिव ट्रेडिंग देर आर सेवरल जर्नल स्ट्रैटजीज दैट कैन भी इंप्लाइड इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सब कैटेगरीज हैं तो दे आर वेज विच वी कैन डिस्कस डे ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग अभी हम सिर्फ नाम डिस्कस करेंगे इमीजिएटली नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दैम इन मोर डिटेल स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्पिंग आर फोर पॉपुलर एक्टिव ट्रेडिंग मैथडॉलॉजी बट दीज आर नॉट द ओनली वन देर आर मोर और इनके कॉम्बिनेशनज भी एग्जिस्ट करते हैं एक्टिव ट्रेडिंग सीक्स प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट इन हाई लिक्विड मार्केट क्योंकि अब एक्टिव मार्केट है तो इसका मतलब है हम ऐसी मार्केट में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे लिक्विडिटी हो बिकॉज हम ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाह रहे कि वी टेक अ पोजिशन एंड देन वी आर नॉट एबल टू सेल दैट तो वो इन लिक्विड मार्केट वाली जो सिचुएशन है वो एक्टिव ट्रेडर्स को सपोर्ट नहीं करती तो दे वॉन्ट अ मोर लिक्विड मार्केट के जब चाहें बेच सकें जब चाहें खरीद सकें फॉर दिस रीज़न एक्टिव ट्रेडर्स जनरली फोकस ऑन स्टॉक्स फॉरन करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन विद लॉर्ड्स ऑफ वॉल्यूम विच अलाउ दैम टू गेट इन टू एंड आउट ऑफ द पोजिशन एट ईज कि आराम से आप एक लाख शेयर खरीदने हैं आराम से खरीदने पाँच लाख यूरो खरीदने हैं कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी भी करेंसी में एनी अमाउंट यूज वॉलीस यू कैन एंटर ईजिली एंड यू कैन एग्जिट ईजिली एंड इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि हम पहले बाय करें समटाइम वी आर इवन एक्सपेक्टिंग हमें लग रहा है कि रेट में फॉल आना है तो हम सेल पहले कर देते हैं एंड देन लेटर ऑन इट सो बोथ द केस कैन बी एक्टिव ट्रेडर्स टिपिकली यूज़ अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स टू मेक प्रॉफिट्स टू कैप्चर ब्रेक आउट दे यूज़ अ स्टॉप एंड ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर मैंने अभी पहले अभी बात की थी कि हमारे कंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं कंडीशनल ऑर्डर्स क्या होते हैं कि यू गिव ऑर्डर दैट इफ समट ट्रिगर एक तो है ना मैं कॉल करके कहूँ जी मेरे लिए एक लाख डॉलर खरीद लें इस वक्त रेट चल रहा है एक सौ साठ आप मेरे लिए ख़रीद लें मैं कहता हूँ नहीं मेरा ख्याल है कि इसने कम आना है एक वन फिफ़्टी फोर पर आ जाएगा तो मैं उनको ऑल ऑर्डर दे कि जी जब वन फफ्टी फ़ोर पे आ जाए तब आप परचेज करें देन दैट्स अ कंडीशनल ऑर्डर और वी आर हैविंग इट प्लेस्ड और ये अगर वो रेट आएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा अगर रेट नहीं आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इफ देर इज़ अ रेजिस्टेंस एट फिफ्टी डॉलर दे मे सेट अप स्टॉप बाई ऑर्डर एड फिफ्टी पॉइंट जीरो फाइव कि हमारा ख्याल है कि फिफ्टी पे रुका हुआ है तो हम कहें जी फिफ्टी पॉइंट जीरो फाइव पर आए तो देन वी मेक अ ट्रांजेक्शन एनी प्राइज व्रेक फिफ्टी रीचिज तो जैसे ही वो उस लेवल पर जाएगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा सो दे आर मेकिंग एन एस्टिमेट्स और वो अपनी रेंजेज में अपने प्रेफर्ड रेट्स को मार्केट में लॉक करवाते टू कैप्चर अ फेवरेबल प्राइज एक्टिव ट्रेडर मे यूज़ लिमिट ऑर्डर जिसकी अभी मैं बात आपको कर रहा था इफ स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट थर्टी बट अ ट्रेडर वॉन्ट्स टू सी दैट इफ दे कैन बाईट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव तो अगर तो थर्टी पर लेना वो तो अभी मिल जाएगा लेकिन वो चाह रहा है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव का तो वो अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देगा इफ स्टॉक रीच दैट लेवल ही गेट दैट तो जो हम अपने चार स्ट्रैटीज की बात की थी उनको हम अभी डिस्कस करते हैं डे ट्रेडिंग एज इट्स नेम से वन डे ट्रेड आप सुबह करेंगे पोजिशन लेंगे सेकेंड टाइम में क्लोज नॉट कैरिंग ऑन टू नेक्स्ट सो ऑल ट्रेड्स आर क्लोज इन वन पहले सुबह खरीद लें शाम को बेच दें सुबह बेच दें शाम को खरीद लें बट ओवर नाइट नहीं होगी इसमें दो तरह के हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसको लेके चल रहे होते हैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे बैंक्स उनकी डेली की बहुत हैवी पोजीशनिंग होती है उनके पास सुबह बहुत वो देखते हैं हमारे पास आज सुबह कितनी लिक्विडिटी है उसकी पोजीशन ले लेते हैं और डे एंड पे क्लोज कर देन वी हैव रिटेलर्स या इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स सेकेंड स्ट्रेटजी आफ्टर द डे ट्रेडिंग इज द पोजिशन ट्रेडिंग अब ये पोजिशन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी डिबेट भी चलती है विच इज़ ट्रू इन इट सेल्फ वैसे होती क्या है पोजिशन ट्रेडिंग क्या है डे ट्रेडिंग में तो हम आज ही खरीद के आज ही बेच रहे थे इसमें हम वी आर बाइंग इट फॉर अ लॉन्गर पोजिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड हम जो पोजीशन ले रहे हैं बाइंग की या सेलिंग की वी कीप दैट पोजिशन तो कुछ लोग तो कहते हैं ये तो जी पैसि स्ट्रैटेजी अगर आपने ले कर रख लेना है तो बट इट्स राइट कि ये पैसिव स्ट्रैटेजी भी है कि आप बाय एंड होल्ड बट इफ़ यू आर डूइंग इट मोर फ्रीकवेंटली एंड इफ यू आर इंटेंशन आर टू डू इट

पोजिशन ट्रेडिंग यूजेज लॉन्ग टर्म चार्ट एनी वेयर फ्रॉम डेली टू मंथली इन कॉम्बिनेशन विद अदर मैथड्स टू डिटर्मिन द करेंट मार्केट डायरेक्शन तो मार्केट्स को देखते हुए एक दिन के लिए भी रखते हैं ओवर नाइट यानी के बाद पोजिशन में वीक्स के लिए भी मंथ्स के लिए भी सो दे कैन डिपेंड हैव अ लॉन्ग पोजिशन केप्ट विद दैम दिस टाइप ऑफ ट्रेड में लास्ट फॉर सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स एंड सम टाइम लॉन्गर इवन क्या अगर आपको लग रहा है मार्केट ने आपकी फेवर में मूव करना है या आपकी डायरेक्शन आ रही है या आपका टारगेट रेट नहीं आ रहा है तो यू इवन कीप इट फॉर लॉन्ग ट्रेंड ट्रेडर्स लुक फॉर सक्सेसिव हाई और लो हाई टू डिटर्मिन द ट्रेंड ऑफ अ सिक्योरिटी कि हमारी क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हैं क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं करेंसी में स्टॉक्स में उनको देख के हम अपनी पोजिशन का पीरियड डिटर्मिन कर रहे होते बाय जंपिंग ऑन राइडिंग द वेव ट्रेंड ट्रेडर्स एम टू बेनिफिट फ्राम बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ये बेसिकली फॉलोअर्स भी होते हैं दे टेक पोजिशन इन देअ लॉन्ग कोर्स तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये देल एंटर इन टू मार्केट और जैसे ही वहाँ पर वो फॉल आना शुरू होगा दिल इमीजिएटली टेक द एग्जिट ट्रेंड ट्रेडर्स लुक फॉर डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बट देर डू नॉट ट्राई टू फोरकास्ट एनी प्राइस लेवल तो ये बेसिकली अपने फंडामेंटल रेट्स वगैरह नहीं निकालते ये ट्रेंड्स के साथ मूव करे होते हैं ऊपर जा रहा है तो पर करके होल्ड कर लेंगे नीचे जा रहा है तो सेल करके दे सी इट्स गोइंग डाउन एंड जैसे ही उसमें राइज आने लगता है दे बाय ताकि वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लें तो दे आर मूविंग विद द ट्रेंड्स टिपिकली ट्रेंड ट्रेडर्स जंप ऑन द ट्रेंड आफ्टर इट हैज़ इस्टेब्लिश इट यानी कि ये खुद ट्रेंड को फोरकास्ट नहीं करते जब ट्रेंड एक बन जाता है कि अच्छा जी एक रैली जा रही है कि ये डॉलर बढ़ता जा रहा है तो मैं डॉलर में पोजिशन ले लूँ या अगर यूरो गिर रहा है तो मैं उसमें सेलिंग करके अपनी एडवांटेज ले लूं सो so, ये इस्टेब्लिश ट्रेंड्स में आते हैं नॉट मेकिंग ट्रेंड्स और फोरकास्टिंग ट्रेंड दिस मीन दैट इन पीरियड्स ऑफ हाई मार्केट वॉलीटिलिटी ट्रेंड ट्रेडिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड इट्स पोजिशन आर जनरली रिड्यूस वॉलेटिलिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो क्योंकि ये ट्रेंड्स को ही फॉलो कर रहे हैं जब फ्लक्चुएशन है ऊपर भी आ रही नीचे आ रही इसका मतलब है कोई पैटर्न डिफाइंड नहीं है तो उस केस में ये ट्रेंड ट्रेडर्स का रोल बड़ा कम हो जाता है इनकी वॉल्यूम्स भी कम हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पोजिशन नहीं ले रहे होते दिज आर टू रेस्ट विल डू इन आर कमिंग सेशन थैंक यू